हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डू वर्कशीट 24, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9। और ये वर्कशीट हमें करनी है 2nd September 2021। और आज की वर्कशीट आपके राइटिंग सेक्शन पर बेस्ड है स्टूडेंट, डिस्क्राइबिंग प्लेसेज। प्लेसेज को हम कैसे डिस्क्राइब करें इसके ऊपर हमें लिखना है। तो हमने पिछली वर्कशीट में भी स्कूल को डिस्क्राइब किया था। डियर स्टूडेंट, वी बिगेन टू डिस्क्राइब प्लेसेज इन आवर लास्ट वर्कशीट। You came across words such as old, new, crowded, popular, calm, quiet, compact, historical, etc. और हमने उसमें जाना था कि हम प्लेसेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओल्ड, पुराना, न्यू, क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाला स्थान है, पॉपुलर, फेमस है, काम, वहाँ पे शांति है। तो ये वर्ड्स जो हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये हमारी माइंड मैपिंग है कि ये वर्ड्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी प्लेस को डिस्क्राइब करें। वी विल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस इट। इस वर्कशीट में भी हम प्रैक्टिस करेंगे प्लेस को डिस्क्राइब करने की। तो देखिए, ये पिक्चर दे रखी है, ये कौन सा स्कूल है? ये SBV है, सरोदय बाल विद्यालय यमुना विहार का स्कूल है स्टूडेंट। तो इसमें देखिए, एक बच्चे ने डिस्क्राइब कर रखा है, आई एम सोहेल, दिस इज़ माई स्कूल SBV। मैं सोहेल हूँ और ये मेरा स्कूल सरोदय बाल विद्यालय है। इट इज़ लोकेटेड इन द बीजी स्ट्रीट ऑफ यमुना विहार। ये यमुना विहार की बीजी स्ट्रीट में स्थित है। दो इन ए क्राउडेड एरिया माई स्कूल इज़ क्वाइट एंड स्पेशियस। जबकि एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में है, लेकिन ये स्कूल जो है काफ़ी इसमें शांति है और स्पेशियस, बड़ा स्कूल है ये। इट इज़ स्क्वेयर इन शेप, इसकी शेप स्क्वेयर है। द गेट्स ओपन इन टू ए लार्ज ग्राउंड, और इसका गेट खुलता बड़ा ग्राउंड आता है, सीधे गेट के अंदर जाते हैं तो। ऑन आइदर साइड ऑफ द ग्राउंड देयर इज ग्रीनरी, और एक तरफ इसकी ग्रीनरी है बड़ी अच्छी। देयर इज लस ग्रास एंड टॉल ट्रीज, वहाँ पे घास उगी हुई है, बड़े बड़े पेड़ हैं। बियॉन्ड द ग्रीनरी ऑन थ्री साइड्स, ग्रीनरी के अलावा तीन साइड्स में, देयर इज थ्री स्टोरीड बिल्डिंग, तीन स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, तीन मंजिल। वन बिल्डिंग इज ओल्ड, एक बिल्डिंग पुरानी है, एंड द अदर टू बिल्डिंग्स आर न्यू, और दो बिल्डिंग वो नई बिल्डिंग है। द ओल्ड बिल्डिंग इज वाइट एंड न्यू बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर, पुरानी बिल्डिंग वाइट कलर की, जो नई बिल्डिंग्स बनी है वो रेड कलर की है। ऑल द क्लासरूम्स आर लार्ज, सारे क्लासरूम्स बड़े हैं। आपको पता है दिल्ली के स्कूलों में इंफ्रा बड़ा अच्छा हो गया है, मैक्सिमम स्कूलों में जो है रेड कलर की बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ऑल द क्लासरूम्स आर लार्ज, सारे क्लासरूम बड़े बड़े हैं। ऑन द फोर्थ साइड वी हैव ए मल्टीपर्पज़ हॉल, MP हॉल भी बना हुआ है, मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसमें आप फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, वो फोर्थ साइड में है। इट इज़ फुल्ली एयर कंडीशन एंड हैज़ क्यूशन सीट, ये फुल्ली AC वाला MP हॉल है और उसमें क्यूशंस की सीट है। वी ऑल्सो हैव हर्बल गार्डन नेक्स्ट टू द MP हॉल, MP हॉल से आगे ही हमारा हर्बल गार्डन है। तो अब नीचे जो है स्पेस दे रखा है, इन द स्पेस गिवन बिलो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर स्कूल एज यू इमेजिन इट टू बी। आपको यहाँ पर अपने इमेजिनेशन का जो भी स्कूल है आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। बिल्डिंग आप सुंदर सा स्कूल ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी ड्राइंग जैसी है जो आप इमेजिनेशन में चाहते हैं उस स्कूल के अंदर फैसिलिटी। तो यहाँ पर आपको स्कूल को ड्रॉ करना है। इन द लास्ट वर्कशीट यू रोट सेंटेंसेज अबाउट योर स्कूल, आपने अपने स्कूल के बारे में कुछ सेंटेंसेज लिखे थे लास्ट वर्कशीट में। नाउ डिस्क्राइब द स्कूल ऑफ योर इमेजिनेशन एंड हाउ वुड यू लाइक इट टू बी। अब यहाँ पर आपको अपनी इमेजिनेशन का स्कूल, जो आप आइडियल स्कूल मानते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो स्टूडेंट, आप आइडियल स्कूल के बारे में, आप किस स्कूल को अच्छा समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, सबसे पहले तो आपको राइटिंग सेक्शन में सबसे ऊपर क्या लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है। ये देखिए, एन आइडियल स्कूल। टाइटल लिखने के बाद फिर आप स्टार्ट करते हैं। आइडियल स्कूल एनवायरनमेंट एम्ब्रेसेस द आइडिया दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न। जो आदर्श स्कूल होगा उसमें कैसे एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें सारे बच्चे सीख सकें। वर्क्स टू बिल्ड सेफ लर्निंग स्पेसेस फॉर स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग स्पेस हो, उनको फ्रीडम हो। इट अट्रैक्ट्स टीचर्स हु आर नॉलेजेबल, और टीचर कैसे होनी चाहिए, नॉलेजेबल होनी चाहिए, आपके भी टीचर्स हैं। केयर्स अबाउट स्टूडेंट लर्निंग, और वो स्टूडेंट की लर्निंग की केयर करते हो। एंड अडेप्ट देयर इंस्ट्रक्शंस टू मीट द नीड्स ऑफ देयर लर्नर्स, और लर्नर्स की नीड के अनुसार वो उनको पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग होती है। अलोंग विद दिस देयर शुड बी ऑल द अटेंशन पेड टू द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। बच्चों के जो है मोरल डेवलपमेंट हो, इसका स्ट्रेस दिया जाना चाहिए स्कूलों में। ही शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन द राइट कंडक्ट, जो बच्चे हैं कि सही उनका कंडक्ट क्या है,
मॉरल टीचिंग जरूर होनी चाहिए, राइट बिहेवियर एंड नोबल थॉट, सही बिहेवियर, अच्छी थॉट्स के बारे में. इट इज़ थ्रू लेसन्स इन द क्लासरूम एज वेल एज लेसन्स ऑन द कैंपस दैट सच ट्रेनिंग कैन बी गिवन. ऐसे लेसन क्लासरूम में या उनको कैंपस में, अब तो असेंबली नहीं होती, उनको ऐसे लेसन्स देने चाहिए मॉरल, जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाए बच्चों को. द आइडियल स्कूल शुड हैव प्रॉपर अरेंजमेंट इन द क्लासरूम, क्लीन एंड वेल अरेंज फर्नीचर एंड प्रॉपर वेंटिलेशन. आपके स्कूलों में भी ये सब है कि प्रॉपर अरेंजमेंट हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, क्लासरूम साफ सुथरे हो, वेंटिलेशन वाले रूम्स हो. अब तो मेरे ख्याल से कोई स्कूल होगा ही नहीं दिल्ली का जिसमें ये इंफ्रा ना हो. फॉर द नर्सरी क्लासेज देयर शुड बी चार्ट्स एंड मैप्स एंड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. जो नर्सरी के बच्चे होते हैं वो चार्ट देखना, उनको कलर्स अच्छे लगते हैं, तो उनके क्लासरूम वैसे ही होने चाहिए. ए चाइल्ड लर्न्स मोर बाय सीइंग देन बाय टीचिंग. बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं टीचिंग की बजाय. म्यूजिकल राइम्स एंड सिंपल वर्ड्स गिव टू द लिटल चाइल्ड एन इंस्टेंट अपील. और जब राइमिंग म्यूजिकल्स जो पोएम्स होती है आपने देखा, सिंपल सिंपल वर्ड्स की, बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, छोटे बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. दे कैन हियर एंड लर्न. वो बच्चे उन्हें सुन के ही लर्न कर लेते हैं. द कैंपस ऑफ द स्कूल शुड ऑल्सो बी क्लीन एंड वेल कैप्ट. कैंपस कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा. Gardens and floors and lawns present an agreeable atmosphere, or if not all these, at least a well-cleaned area all around. Garden हो, flowers हो, घास हो, और अगर ये भी ना हो पाए, छोटा स्कूल है तो साफ सुथरा हो, then there should be arrangement for games and physical exercise for which special classes and periods be allotted. अब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि वो आइडियल स्कूल है. आप ऐसा सोचते होंगे कि हमारी जो है फिजिकल एक्सरसाइजेज भी हो, पीरियड्स जो है गेम्स के भी, वो भी होते हैं. हालांकि द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज एज इम्पोर्टेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड. और क्योंकि बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड के साथ साथ बॉडी की भी डेवलपमेंट होनी चाहिए ना, तो आइडियल स्कूल में ऐसा होता है. और आपके स्कूल में, आपका स्कूल भी आइडियल होगा. एंड आइडियल स्कूल हैज़ टू लुक आफ्टर द पार्ट ऑफ ए चाइल्ड फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो. तो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट पे भी और देखेगा जो आइडियल स्कूल होगा वो. तो ये था, आप आइडियल स्कूल पर ऐसे ही आप अपने, आपका जो आइडियल स्कूल है उसके बारे में लिख सकते हैं. वैसे आइडियल स्कूल ऐसा ही होगा जिसमें बच्चे की फिजिकल, मेंटल, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी, वही स्कूल आइडियल होगा. तो स्टूडेंट, ये थी आसान सी वर्कशीट आज की, आपको समझ में आ गई होगी. स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.